सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार आरोपी हरियाणा के सिरसा जिले का रहने वाला संदीप उर्फ केकड़ा है। वहीं इसकी गिरफ्तारी के बाद संदीप के परिवारजन भी निकल कर सामने आए हैं। किस तरह केकड़ा क्राइम की दुनिया में पहुंचा और किस तरह यहां तक कि उसका सफर रहा, देखिए इस रिपोर्ट में। सिद्धू मूसेवाला केस की जांच जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे पुलिस की जांच में कई नाम निकल कर सामने आ रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पुलिस की जांच में 8 लोगों के नाम सामने आए हैं जिनकी पुलिस को तलाश है। इसके साथ ही पुलिस ने सिरसा जिले से संदीप उर्फ केकड़ा को गिरफ्तार किया। केकड़ा पर सिद्धू मूसेवाला की रैकी करने के आरोप है। बता दें कि केकड़ा की मौसी मूसेवाला गांव में रहती है। वहीं केकड़ा की बहन मूसेवाला गांव के साथ लगते रामदत्ता गांव में रहती है। केकड़ा की गिरफ्तारी के बाद अब केकड़ा का परिवार सामने आया है। 10-12 दिन हो गई है तो आया जी, अब तो मुड़ के आया नहीं जी। एक मेरी बेटी है जी, एक बेटा है। नहीं जी मैनू नहीं पता, को एक बारी वो नशा नुशा पींदे पकड़ ले सीगे जी, चिट्टा पींदा सीगा जी, काम घरे फड़दा सी कभी नहीं। केकड़ा के पिता की माने तो उनका बेटा नशे का आदी था, इसी कारण संदीप उर्फ केकड़े को घर से निकाल दिया गया था। वहीं केकड़ा पिछले 10-12 दिनों से घर नहीं लौटा था। केकड़ा के पड़ोसियों की माने तो संदीप का आज से पहले कभी किसी केस में नाम नहीं सामने आया है। हालांकि संदीप नशे की लत में काफी पहले पड़ चुका है। मेरा पड़ोसी है तो लड़का ऐसा तो नहीं था पहले, तो ये थोड़ा मोटा नशा करता था। तो इसके पिताजी जो बहुत बुढ़ा आदमी है, गरीब आदमी है जी, वो तो गरीब आदमी है इसका बाप, वो मजदूरी करता है हमारे साथ ही इसका पिता। और ये थोड़ा बस अभी इन दिनों में चिट्टा चिट्टा पीने लग गया जी बस, और तो कोई इसकी ज़्यादा तो नहीं हमने सुनी। हम तो क्यों काम पे चले जाते हैं, तो ये रहता है घर में। संदीप की गिरफ्तारी और परिजनों के बयान के बाद एक बात तो साफ है कि नशा किस तरह युवाओं पर आज प्रभाव डाल रहा है। नशा एक ऐसी बीमारी है जिसे पहले युवाओं को नशा अपनी तरफ खींचता है और फिर युवा नशे की लत को पूरा करने के लिए क्राइम की राह पर चले जाते हैं। अम्बाला में गरीबों के निवाले पर डाका मारने वाले डिपो होल्डर का पर्दाफाश हो गया है। स्थानीय लोगों ने डिपो होल्डर को रंगे हाथों पकड़ा, उसके बाद क्या हुआ देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सफेद रंग की इन बोरियों में जो आटा भरा जाता है वो गरीबों का निवाला है। वो आटा गरीबों को दिए जाने वाला आटा है, लेकिन कुर्सी पर बैठे अधिकारियों को ये कौन समझाए। उनके लिए तो बस ये महज आटा है जिसमें कि उन्हें हेरा फेरी कर गरीबों के निवाले पर डाका मारना है। अम्बाला जिले के मनमोहन नगर में सरकारी आटे की हेरा फेरी करते डिपो संचालक को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा। सरकारी आटे को हैफेट की बोरियों से निकाल सफेद रंग की प्लेन बोरियों में भरकर बेचने की फिराक में ये आरोपी था। हमें तो सूचना मिली है कि अंदर जो गाड़ी में ना ये 2 नंबर का आटा लोड कर रहे हैं, जो सरकारी डिपो की थैली है वो खाली करके दूसरे थैलियां भर के ये सप्लाई के लिए कहीं भेज रहे हैं। तो हम यहाँ वेट करते रहे काफ़ी देर, जब तक ये भरते रहे। जैसे ये बाहर निकले मैंने गाड़ी रोकी नहीं, तो मैंने पूछा भी ये कहाँ जा रहा है, कह रहे दूसरे डिपो पर गवर्नमेंट है वहाँ जा रही है, भी वहाँ कमी है वहाँ जा रहा है। मैं इसका कोई कागज़ है आपके पास, कोई डॉक्यूमेंट्स है अभी वहाँ का माल है, फिर ये हमारे एरिए का डिपो है, यहाँ का आटा होगा। तो ये सरदार जी फिर बत्ता बनाने लगे इनका लड़का। डिपो के ऑनर ने कॉल किया था मेरे को, डिपो के ऑनर हैं जो, उन्होंने कॉल किया था इनके इस डिपो से दूसरे डिपो में माल छोड़ना था। मेरी तो गाड़ी रेंट पे है जी। तो ये कट्टे किसने बताए? उनका ही मेरे पास, मैं तो अभी अंदर गया हूँ 10 मिनट पहले, यही है जो रेडी पड़ा था इन्होंने जो डाला है, कह रहे भी दूसरे उस पर छोड़ना है इनके जो डिपो है शिवपुरी में। डिपो चालक इससे पहले कि सरकारी आटे को मौके से खुर्द-बुर्द करता, स्थानीय लोगों ने आटे से भरे वाहन को घेर लिया। खुद को फंसता देखकर डिपो संचालक मौके से फरार हो गया। लोगों ने इसकी जानकारी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को दी, जिसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। और ये आटा चोरी का मामला है, और जब अभी बाहर एक ऑटो खड़ा हुआ, उसके अंदर आटा भरा हुआ है, और अब हमने इसका स्टॉक वगैरह चेक किया है, जो कि जो भी इसके एलोकेशन होती है उसे डिफर कर रही है फिगरें, और इसके तहत पीडीएस एक्ट 2000
9 के तहत इस ऊपर सख्त से सख्त अब डिपार्टमेंट कार्रवाई करेगा। ये शिफ्ट नहीं कर सकता ऐसा, इसका आटा नहीं है, पब्लिक का आटा है और पब्लिक को ही थैलियाँ देनी होती है, ना कि किसी में शिफ्ट किया जा सकता है। नहीं, जिस डिपो का है उस पर एक्शन होगा, उसके साथ अटैचमेंट होगी। एक डिपो दो नहीं रख सकता, किसी कारणवश वहाँ उसकी अटैचमेंट लगी होगी। हाँ, अटैचमेंट से ही वो करता, उसका रास्ता वहाँ बटेगा। और स्टॉक में अब चेक किया है, अब हम जाके चेक करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, इसमें हमें स्टॉक कम लग रहा है। वहीं स्थानीय लोगों से लेकर स्थानीय पार्षद की यही मांग है कि डिपो होल्डर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यमुनानगर और अम्बाला में दो युवकों की नहर में डूबने से मौत हो गई है। मृतक के परिजनों ने दोस्तों पर हत्या के आरोप लगाए हैं। अम्बाला के गीता नगरी इलाके के रहने वाले 22 वर्षीय साहिल की नहर में डूबकर मौत होने का मामला देखने को मिला है। साहिल के परिवार ने पुलिस थाने में साहिल के गुम होने की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद तलाश करने पर जनसुई हेड नहर में साहिल का शव मिला। साहिल के परिवार का आरोप है कि साहिल की हत्या की गई है, जिसके लिए बकायदा परिजनों ने पुलिस को उसके दोस्तों के खिलाफ शिकायत भी दी है। और वो कल कोई 12 या 12:30 के करीब उसके जो शॉप है, जो उनका किराएदार है, लड़का है जो, वो उसको लेके गया, चल हम चलते हैं। वो मना कर रहा था कि नहीं मैंने नहीं आना, तो वो एक फ्रेंडली कहने लग गया भी नहीं है कि चल तू साथ चले यार, और जबकि उसको बाइक चलानी भी आती नहीं है और ना उसको तैरना आता है, यही समझ में नहीं आ रहा। तो जब तैरना ही नहीं आता तो वो क्यों उस नदी में कूदेगा नहाने के लिए। एक डेड बॉडी मिली है जिसका रात को हमने नाम नूम तस्दीक हो गया, जिसका साहिल नाम था और जो अपना ये गीता नगरी का रहने वाला था, तो इसको मोर्चरी में ले आए थे हम और आज जांच का पोस्टमार्टम करवा रहे हैं और इसके परिजन आ गए। जो परिजनों ने हैप्पी राकेश और निहाल तीन लड़कों का शक के बिना पे नाम दिया है, भी इन्होंने मिलके मेरे लड़के को डुबो के पानी में और इसकी मृत्यु हुई है, तो हमने इस पे 302 का पर्चा दर्ज कर दिया तीनों खिलाफ और आगामी कार्रवाई जारी है। वहीं दूसरी तरफ यमुनानगर में पड़ने वाले पश्चिमी यमुना नहर के हमीदा हेड पर नहा रहा एक युवक गहरे पानी में डूब गया। हमीदा नाम का युवक अपने दोस्तों के साथ यमुना में नहाने के लिए गया था, लेकिन गहरे पानी में बहने से वो लापता हो गया। परिजनों ने युवक के दोस्तों पर हत्या के आरोप लगाए हैं। सूचना पाते ही गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची, पुलिस प्रशासन के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। जो यमुना में नहाते गहराई में चला गया और उसकी तलाश के लिए अभी राजीव को तबोर की टीम बुलाई है। 5 लोग कितने लोग बचे हैं? 4 लोग बच गए हैं, एक आकाश जो है वो गहरे पानी में चले गए हैं। ऑपरेशन राजीव की टीम लगी हुई है, राजीव को और अभी प्रयास जारी है। अम्बाला और यमुनानगर से आए दोनों मामलों में परिजनों ने दोस्तों पर हत्या के आरोप लगाए हैं। ऐसे में देखना यही होगा कि क्या परिजन के आरोप सही हैं या फिर दोनों युवक महज हादसे का शिकार हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, अब देखना होगा जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। चरखी दादर में इस बार मानसून से पहले जल भराव से निपटने और किसी भी तरह की लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए डीसी श्यामलाल पुनिया की अगुवाई में प्रशासनिक अमला सड़कों पर उतरा और दिन भर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। चरखी दादरी जिले के लोग इन दिनों जगह जगह सीवरेज की समस्या से जूझ रहे हैं। कहीं गंदा पानी जमा है तो कहीं सीवरेज की पाइपें खराब है। ऐसे में अगर बरसात होती है तो लोगों की परेशानियां और बढ़ सकती है, लिहाजा जिला उपायुक्त ने गंदे पानी की समस्या से निपटने के लिए एक्शन प्लान तैयार करना शुरू कर दिया। चरखी दादरी के उपायुक्त श्यामलाल पूनिया की अगुवाई में प्रशासनिक अमले ने सड़कों पर उतरकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। व्यवस्था और जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन का जो एक इश्यू रहता है, ये हर साल बरसातों के टाइम में परेशानी होती है लोगों को। इस बार प्रयास है कि बरसातों से पहले नालों की सफाई करा दें, हम दोनों की लोगों की जो परेशानी है उसको हम कम कर पाएँ और जो बाकी डिपार्टमेंट्स लगे हुए हैं इसमें पब्लिक हेल्थ और PWD जिनके नाले हैं, तो इसको साफ करके हमारा टारगेट है कि 20 जून तक नालों की सफाई हो जाए। इसके साथ ही डीसी ने अधिकारियों को कई अहम निर्देश भी दिए। बता दें पिछले काफी समय से दादरी शहर की सीवरेज व्यवस्था गड़बड़ा गई है, लिहाजा डीसी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ सड़कों और अन्य स्थानों पर मोटरें चेक की और पानी निकासी के लिए पुख्ता प्रबंधों के इंतजाम करने की बात कही है। इस बार प्रयास है नाले अच्छे साफ हो जाए, पानी जो नेचुरल अपना ग्रेविटी का फ्लो है उतना निकल जाए,
उसके बाद भी यदि कुछ ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उसका भी कुछ समाधान करेंगे, पंप जो एक्स्ट्रा चाहे प्रोक्योरमेंट का हो या और मैन पावर डेवलपमेंट का, वो हम उस दिशा में काम करें। ड्रेन को तो ड्रेन की सफाई कर रही है PWD और पब्लिक हेल्थ, दोनों डिपार्टमेंट लगे हुए हैं आपस में। मानसून से पहले हमारा प्रयास है कि नालू भी अच्छे से छटाई और सफाई करा दें, साथ ही सीवर लाइन भी साफ हो जाए। जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया के माने तो इस बार मानसून से पहले पूरे पुख्ता इंतजाम करने के लिए वो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ फील्ड में उतरे। सीवरेज व्यवस्थाएं दुरुस्त करने, मोटरें ठीक करने और साफ सफाई के पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही उपायुक्त ने किसी भी प्रकार की कोताही मिलने पर कार्रवाई की बात भी कही है। वहीं इस बार मानसून से पहले और पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि बरसाती मौसम में लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इस बार किसी भी तरह की कोताही पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। हरियाणा में पिछले कुछ महीनों से आतंकी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। पहले अंबाला में आईडी और हैंड ग्रेनेड बरामद हुए और फिर बाद में करनाल से आतंकी गिरफ्तार हुए। अब जाकर इस पूरे मामले में हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। बीस मार्च को वो तारीख जब हरियाणा के अंबाला के पास चंडीगढ़ रोड पर साधोपुर में हैंड ग्रेनेड और विस्फोटक IED मिला। करीब डेढ़ महीने बाद करनाल के पस्ताड़ा टोल प्लाजा पर चार आतंकवादी गिरफ्तार हुए। लगातार आतंकी एक्टिविटीज सामने आई। आतंकी कहां जा रहे थे, आतंकवादियों के पास विस्फोटक सामान कहां से आया, आतंकी किसके इशारों पर काम कर रहे थे, इन सब सवालों के जवाब धीरे धीरे सबके सामने आ गए। लेकिन पुलिस से लेकर तमाम जांच एजेंसियों के सामने अंबाला में मिले हैंड ग्रेनेड और IED से जुड़ा कोई सुराग नहीं लग पाया। आखिर में करनाल में पकड़े गए आतंकवादियों से पूछताछ हुई तो पूरा कच्चा चिट्ठा पुलिस के सामने आया। चार आतंकियों में तीन आतंकवादियों का अंबाला में मिले विस्फोटकों से कनेक्शन था। तीन आतंकियों ने पूछताछ के दौरान कबूला कि विस्फोटक उन्होंने ही रखे थे। तीन आतंकवादियों को अंबाला में विस्फोटक सामान रखने का टास्क मिला। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हैंड ग्रेनेड IED तीनों आतंकवादियों तक पहुंचा। आतंकवादियों ने अंबाला के पास चंडीगढ़ रोड पर हैंड ग्रेनेड IED और 50,000 रुपए रखे। सबूत के तौर पर आतंकवादियों ने वीडियो बनाकर आगे भेजा था। आतंकवादी गोपी 1 साल से आतंकवादियों के संपर्क में था। इससे पहले कई कंसाइनमेंट आगे सप्लाई कर चुकी थी। इनकी पूछताछ के अंदर इन्होंने ये कबूल किया कि होली से लगभग 3 या 4 दिन पहले इन्होंने इनको टास्क दिया गया था, जो इनका हैंडलर है पाकिस्तान बेस्ड रिंडा, उस द्वारा इनको टास्क दिया गया था कि कुछ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस और साथ में ये ग्रेनेड्स और कुछ पैसे। इनको 12 माइलस्टोन है जो अंबाला का चंडीगढ़ रोड के ऊपर, वहाँ पे रखने के लिए इनको हिदायत दी गई थी, जिसके अनुसार इन्होंने काम करते हुए वहाँ पे 50,000 रुपये, 3 ग्रेनेड और 1 IED को वहाँ पे रखा। इस पूरे खुलासे के लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी। अलग अलग टीमों के साथ SIT का गठन हुआ। CIA 1 इंचार्ज के नेतृत्व में इस केस की जांच शुरू हुई। करनाल में पकड़े गए चार आतंकवादियों में तीन आतंकियों ने 3 दिन पूछताछ के दौरान पूरा सच सामने ला दिया। पर्टिकुलर कंसाइनमेंट थी ये, उसी के साथी के जो नानी का घर था वहां पे ये डिलीवर की गई थी और वहीं से ये फर्दर इसको नांदेड़, जैसे जो करनाल वाली कंसाइनमेंट थी उसको नांदेड़ में डिलीवर किया, ये हमारी कंसाइनमेंट को अंबाला के 12 माइलस्टोन के ऊपर डिलीवर किया। तो ऐसे फर्दर इन्होंने अन्य कंसाइनमेंट्स जो हैं डिलीवर किए हैं। जो गोपी है वो आज तक हमारे रिमांड पे था, तो अब इसको हमने वापस जेल भेजेंगे इसको। इसके अंदर अभी हम इसकी जो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन है इस केस के अंदर, जो इनके मनी की ट्रेल्स हैं, उसको भी हम एक बार अच्छी तरह से परसू कर रहे हैं और उसके अंदर हमें अंदेशा है कि और हमारे पास और सबूत अन्य लोगों के खिलाफ भी आ सकते हैं। गुरप्रीत गोपू इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड है। गुरप्रीत पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। जेल में रहने के दौरान इन आरोपियों में से एक ने आरोपी गुरप्रीत गोपी का संपर्क पाकिस्तानी हैंडलर्स रिंडर से कराया, जिसकी ओर से तीनों आरोपियों को बम रखने का टास्क मिला। पुलिस के माने तो इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड गुरप्रीत गोपी ही था। गुरप्रीत पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।
आतंकवादियों से पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं उसे पुलिस की बड़ी कामयाबी तो माना ही जा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन के सामने अभी कई सवाल खड़े हुए हैं। इस पूरे खुलासे के लिए पुलिस और प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी। अलग अलग टीमों के साथ साथ SIT का गठन हुआ। CIA1 इंचार्ज के नेतृत्व में इस केस की पूरी जांच शुरू हुई। करनाल में पकड़े गए 4 आतंकियों में से 3 आतंकियों से 3 दिन हुई पूछताछ के दौरान पूरा सच निकलकर सामने आ गया। सिरसा जिले में साल 2020 और 21 में कई एकड़ की नरमे की फसल बर्बाद हो गई थी, जिसके बाद से सरकार की ओर से किसानों के लिए मुआवजा राशि तो दी गई, लेकिन किसानों का कहना है कि उन्हें अब तक मुआवजा राशि नहीं मिली है। साल 2020-21 में किसानों की नरमे की कई एकड़ फसलें बर्बाद हो गई थी। हालांकि किसानों को खराब फसलों का मुआवजा देने की बात कही गई थी, लेकिन सिरसा जिले में किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिल पाया, लिहाजा किसानों ने खराब फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने खराब नरमे की फसल का बकाया मुआवजा राशि दिए जाने की मांग रखी। 2021 के अंदर नरमे की फसल गुलाबी सुंडी की वजह से खराब हो गई थी, उसी को कल बीमा क्लेम और मुआवजे की मांग को लेके और 2020 के अंदर 111 गांव के अंदर फसल खराब हो गई थी, उसका जो बीमा क्लेम है वो रुका पड़ा है, अभी तक 3 साल हो गई मिला नहीं है 4 सालों से। उसको लेके यहाँ पे 18 दिन का जब हमारा मोर्चा लगा था तो सरकार ने हमें बातचीत के लिए बुलाया था, कृषि मंत्री ने हमारे से बातचीत की थी और ये कहा था कि अप्रैल इसके मार्च के अंदर किसानों का जितना भी बीमा क्लेम है और जो मुआवजा है वो सारे किसानों को अप्रैल के महीने के अंदर अंदर सब किसानों को वितरित कर दिया जाएगा, सबको मिल जाएगा। मार्च का महीना निकल गया, उसके बाद अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, जून आ गया है और इन 2-3 महीनों के अंदर लगातार हम यहाँ पे अधिकारियों से DDA से DC से SDM से सबसे हम लगातार मिलते रहे हैं और सिवाय इन्होंने आश्वासन के अभी तक और कुछ नहीं किया है। इतना ही नहीं, लघु सचिवालय में पहुंचे किसानों ने गेट के बाहर ही अपना मोर्चा खोल दिया। किसानों के आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान उन्हें लघु सचिवालय में उच्च अधिकारियों से मिलने तक नहीं दिया गया, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गेट पर ही रोक दिया। जब तक ये किसानों का रुका हुआ बीमा क्लेम और मुआवजा किसानों को नहीं मिल जाएगा तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। अभी डिंग गांव के अंदर एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर एग्रीकल्चर टीम ने उसके अंदर खराबा लिखा है, 75% नरमे की फसल खराब हो गई थी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने उसी फसल को जो है 25% से कम खराबा वहाँ पे बताया है। तो ये इस तरीके की धांधली भी गड़बड़ भी हो रहा है कि किस तरीके से ये किसानों को मुआवजे से वंचित रखने के लिए झूठी रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो हमारी मांग ये भी इस तरीके से झूठी रिपोर्ट तैयार करने वाले उन अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही किसानों का ये भी आरोप है कि सरकार की ओर से किसानों के मुआवजे की राशि कई महीने पहले भेजी जा चुकी है, लेकिन मुआवजा राशि किसानों को अब तक नहीं दी गई। वहीं किसानों के आरोप ये भी है कि किसानों की खराब फसलों को लेकर झूठी रिपोर्ट भी तैयार की गई। अब सवाल यही है कि क्या किसानों के लगाए आरोप सही है, क्या वाकई में किसानों की खराब फसलों से लेकर मुआवजे में धांधली की गई है। साल 2020 और 21 में गुलाबी सुंडी के कारण कई एकड़ नरमे की फसल बर्बाद हो गई थी। सिरसा जिले में भी 13 ऐसे गांव हैं जहां पर गुलाबी सुंडी के कारण सैकड़ों एकड़ की नरमे की फसल बर्बाद हो गई थी। हालांकि इसके बाद से सरकार की ओर से किसानों के लिए मुआवजा राशि तो दी गई, लेकिन किसानों का कहना है कि उन्हें अब तक मुआवजा राशि नहीं मिली है, जिसके चलते सिरसा में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया है और मुआवजे को लेकर अपनी मांगे रखी है। सोमवार को यमुनानगर लघु सचिवालय पर 2 अलग अलग प्रदर्शन हुए। पहला प्रदर्शन पेपर मिल के रिटायर कर्मचारियों ने किया और कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए। दूसरा प्रदर्शन हरियाणा OBC प्रकोष्ठ ने किया और DC को ज्ञापन सौंपा। यमुनानगर लघु सचिवालय में अपनी मांगों को लेकर 2 अलग अलग प्रदर्शन हुए। पहली तस्वीर पेपर मिल के रिटायर कर्मचारियों की है। प्रदर्शनकारी रिटायर कर्मचारियों ने एकजुट होकर लघु सचिवालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और कंपनी के खिलाफ रोष प्रकट किया। रिटायर कर्मचारियों ने कंपनी पर न सिर्फ वादा खिलाफी के आरोप लगाए बल्कि PF के लाखों रुपए धोखे से हड़पने के भी संगीन इल्जाम लगाए। दूसरा ग्रेच्युटी नहीं दिया, बोनस नहीं दिया, मेडिकल पैसा जितने भी बेनिफिट मिलते हैं नौकरी के दौरान नौकरी के बाद सारे कोई भी बेनिफिट नहीं दिया। 2 साल से में कोई पेमेंट नहीं दी। मांगने पर कहते हैं जहां मर्जी वहां चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। अब आप क्या करने जा रहे हैं? अब सर हम यहां आए थे किसी साहब को ज्ञापन देने के लिए, इसके बारे में हम लोगों ने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री राष्ट्रपति सबको लेटर लिखा हुआ है। आगे की रणनीति? आगे की रणनीति है कि हम हमारे द्वारा बनाया हुआ खून पसीने बहा करके हम लोगों ने जो कागज़ बनाया हुआ वो कागज़ 40 से 50 करोड़ का कागज मिल के अंदर पड़ा हुआ है,
वो कागज गैर तरीके गैर कानूनी तरीके से निकालना चाहते हैं हम लोग की बिना सैलरी दिए हुए, वो बिना हम सैलरी दिए हुए कागज नहीं निकलने देंगे, चाहे उसके लिए हमें अपनी जान देनी पड़े। दूसरी तस्वीर हरियाणा ओबीसी प्रकोष्ठ की है। प्रकोष्ठ से जुड़े लोगों ने लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया और हरियाणा के राज्यपाल के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपा। ओबीसी प्रकोष्ठ यमुनानगर के जिला अध्यक्ष विक्रम सैनी ने बताया कि हमारे कुछ मुद्दे हैं, उन्हें हल किया जाए और पंचायती चुनाव में ओबीसी को आरक्षण दिया जाए। हमारे कुछ अपने ओबीसी के अपने कुछ मुद्दे हैं, हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री द्वारा ओबीसी के प्रॉपर तौर तरीके से इसका वो जनगणना कराई जाए। आप अगर हिसाब लगाया जाए तो 27% से ऊपर ओबीसी की जो पॉपुलेशन है वो हरियाणा में बनती है। हमारा ज्ञापन देने का दूसरा मुद्दा ये था कि हम चाहते थे कि जो पंचायत चुनाव और अपना जो निकाय चुनाव है उसके अंदर ओबीसी का पूरा प्रॉपर एक्शन मिला जाए। और कुछ हमारे स्थानीय मुद्दे भी जैसे सड़क के मुद्दे, जैसे यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सड़क बेहद खराब होती जा रही है और यमुनानगर सिटी जो क्राइम सिटी बनता चला जा रहा है, हम चाहते हैं कि कंसर्न अधिकारी को सख्त से सख्त आदेश दिए जाए कि हमारे क्राइम सिटी ना बनके ट्विन सिटी द्वारा से बना जाए। प्रदर्शनकारियों की बातों को प्रशासन ने गौर से सुना और उनकी मांगों का जल्द हल निकालने का आश्वासन भी दिया। अब देखना होगा कि प्रदर्शनकारियों की मांगें कब तक पूरी होती हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी भी दी है कि अगर हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में प्रदर्शन और भी तेज होंगे। प्रदर्शनकारियों की मांगों को अधिकारियों ने गौर से सुना और उनको जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। अब देखना होगा उनकी मांगों पर आखिर अधिकारी या सरकार प्रशासन कब गौर फरमाते हैं।